कैरवानी साहब, आपका मौकफ आ गया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए अयाब अहमद, तर्जुमान DC ऑफिस इस्लामाबाद। अयाब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अयाब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसमें इजाफा दिखाई दे रहा है और मुसलसल अमवात का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद के इंतजामिया ने बरवक्त फौरी और बड़े बेहतरीन इकदाम किए जिसकी वजह से इस फैलाव को रोका गया, और अब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में जो है वो इज्तमा के ऊपर भी आप लोगों ने 2 माह के लिए गालबन पाबंदी आयद की है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो बड़ा वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद आएंगे और हमें ना रोका जाए। अब अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाती है, तो इससे निपटने के लिए आपके पास कौन सी हिकमत अमली है कि उनके लोग आएँ इस्लामाबाद के अंदर रुकें लेकिन इसके बावजूद आप कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकें? जी, थैंक यू सो मच। इसमें देखें, हमारी बेसिकली जो कोविड की पॉलिसी चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, वो मतलब सारों को पता है कि मतलब इस्लामाबाद में कैसे केसेस कंट्रोल हुए हैं, और एकदम से एक रैपिडली केसेस ऊपर गए थे, अभी इस टाइम पे वो काफी नीचे आ चुके हैं। आज भी 259 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो काफी मतलब फ्रॉम 450-500 नाउ इट हैज कम टू 259। तो उसमें अब देखें आगे, तो ये तो अब थोड़े पॉलिटिकल डिस्कशन है कि अब PDM आएगी तो उसका क्या किया जाएगा, ये तो अब लेट्स नहीं, डेफिनेटली वो डिसीजन किसी और ने करने है, लेकिन उसके फैलाव को रोकना तो आपकी जिम्मेदारी है। इस हवाले से आपके पास कोई एक मतमली है? एडमिनिस्ट्रेशन विल इंश्योर दिस थिंग हैपेंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन विल इंश्योर के SOPs को भरपूर तरीके से फॉलो किया जाए, जिस तरह पहले भी अगर कोई छोटी मोटी गैदरिंग यहाँ पे होती है उसी तरह का यहाँ पे मतलब इसी तरह किया जाएगा कि मास्क को इंश्योर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मास्क को इंश्योर करेंगी, बाकी जगह अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे जरूर होगा कि मास्क वगैरह का प्रॉपर यूज हो, और फिर गेट वॉक्स बायो सैनिटाइजर वगैरह प्लेस हो, और ये सारी चीजें श्योरिटी इनकी ली जाएगी। अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग इस्लामाबाद के अंदर आते हैं, आपने मास्क का जिक्र किया, आपने SOPs का जिक्र किया, लेकिन हमने गुजरांवाला और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देखते हैं कि जब भी इस तरीके से जलसे जुलूस होते हैं तो उसके अंदर SOPs को फॉलो नहीं किया जाता, लोगों के अंदर जोश खरोश बड़ा होता है, वो बड़े सख्त गुस्से के अंदर भी नज़र आते हैं, तो उससे निपटने के लिए आप नहीं समझते कि आपको कोई ख़ास किस्म की हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी? खाली आपके कहने से शायद वो आपकी बात ना माने। The administration will carry out the meetings. उसने meetings के बाद उस चीज को proper तरीके से नहीं, तो आपकी meetings में ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात हुई है कि अगर वो आएंगे तो हमने इस हिकमत अमली को इख्तियार करना है, या अभी तक इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई? नहीं, इस टॉपिक पे अभी ऐसा कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई, ना ऐसी कोई बात हुई है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा डिसीजन होता है मीडिया के हजरात को, आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, हम लोग प्रॉपर सर्कुलर जारी करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो उसमें लेकिन ये है कि वी विल डेफिनेटली इंश्योर कि SOP तो मास्क वगैरह ये वो सारी चीजें 100% फॉलो हो, ये बाकी जगह अगर नहीं हुई तो यहाँ पे 100% फॉलो हो, और हम लोग इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि ये फॉलो होंगी यहाँ पे। चलें, अब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।